जी तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ TL5 के कंप्रेसर के बारे में। TL5 के कंप्रेसर की जब मोटर शार्ट हो जाती है तो 50% चांसेस होते हैं कि इसकी मोटर बिल्कुल ठीक है। एक फॉल्ट की वजह से इसकी मोटर शार्ट शो हो रही होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसकी मोटर अभी शार्ट शो हो रही है। तो आप लोग इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल मौलवी, आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। तो चलो अभी दोस्तों चेक कर लेते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे इसके फॉल्ट है जिसकी वजह से ये शार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो फिटिंग है, इसकी पाँव की फिटिंग है, ये यहाँ पे ऊपर आई हुई है। तो मतलब कहने का इसके जो पाँव की फिटिंग होती है वो उतर जाती है, उसकी वजह से ये इसकी ये शॉर्टेज प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। बेसिकली आपको अभी चेक करवाता हूँ कि इसका फॉल्ट कहाँ पे है और इसको ठीक कैसे करना है। अभी फिलहाल आपने इसको ऐसी डब्बी से उतार लेना है, ये पॉइंट वाली डब्बी यहाँ पे लगी होती है, तो इसको आपने पेचकस की मदद से उतार लेना है। इसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे ये लॉक लगा होता है मोटर के ऊपर, इसको आपने साइड पे करना है ताकि इसकी मोटर और पंप यहाँ से साइड पे निकल आए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी ये लॉक जो है वो साइड पे हो चुका है। तो अभी सिंपल आप लोगों ने यहाँ से इसको ग्रिप करना है और बाहर वाली साइड से ऐसे पाइप भी उतारने की जरूरत नहीं डिचाई का, और आप इसको ऐसे सीधा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सीधा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको जितनी भी इसकी पाँव की फिटिंग नज़र आ रही है ये वाली, ये आपने ले लेनी है और अच्छे से आप लोगों ने इसके पाँव वाली फिटिंग जो है आपने फिटिंग कर देनी है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं अभी मैंने चारों फिटिंग इसकी ले ली है, ये चार जो लोगों का प्लास्कट वाले ये आपने ले लेने, इसके पाँव के ऊपर आपने ऐसे प्रेस कर देना है। अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर ये लूजिंग इसकी महसूस हो, आपको फील हो, तो आपने इसको प्रेस करके फिर लगाना है। मतलब कहने का जैसे आप लोग, मतलब कहने का इसको आपने ऐसे प्लास्क की मदद से ऐसी इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना, ये प्लास्कर सही है। अभी इसका यहाँ पे इसकी टाइट फिटिंग हो जाएगी, तो इसको आपने ऊपर रख के ऐसे प्लास्क की मदद से या थोड़ी की मदद से आप इसको यहाँ पे इसको प्रेस कर सकते हैं, तो ऐसे ये अच्छे से फिटिंग हो जाएगी और दोबारा ये उतरेगी नहीं। तो इसी तरह से आपने चारों फिटिंग कर लेनी है, मैं कर लेता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चारों फिटिंग मैंने यहाँ पे इसकी बना ली है बहुत अच्छे से और टाइट ही है, ये अभी निकल नहीं रही, ठीक है। फिंगर से उतारने की कोशिश करूँ तो ये निकल नहीं रही, अभी ये बहुत अच्छे से फिटिंग हो चुकी है। तो अभी आप लोगों को ये बता दो कि कहाँ से किस जगह से ये शॉर्टिंग शो हो रही थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्निश जो इसकी उतर चुकी है, यहीं से ये डैमेज की वजह से यहाँ पर शॉर्टिंग शो करवा रहा था यहाँ पर। तो आप लोगों के सामने ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है यहाँ पर, अगर तो ये आपस में वायरें नहीं अटैच तो ये बिल्कुल ओके है, तो आप लोग दोबारा इसको रीयूज़ ऐसे ही कर सकते हैं। आप लोग कुछ ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ इसके पाँव की अच्छे से फिटिंग करेंगे और उसको दोबारा फिट करेंगे। तो अभी सिंपल इसको हमने दोबारा वहीं पर वैसी तरीके से आप लोगों ने इसको फिट करना है। और यहाँ पे आप लोग जो स्प्रिंग देख रहे हैं और ये जो पाँव की जितनी भी फिटिंग है आप लोगों ने सराफ के ऊपर ये स्प्रिंग के ऊपर आपने रखनी है, अच्छे से रखनी है। अगर आप लोग अच्छे से यहाँ पर फिटिंग नहीं करेंगे तो दोबारा ये शॉर्टेज होने के चांसेस हो जाते हैं, तो आवाज़ भी आएगी, साउंड भी आएगा, उसी वजह से आप लोगों को ये अक्सर प्रॉब्लम आती है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ऐसी आप लोगों ने इसको, तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको फिट कर लेना अच्छे से। तो ये पाँव के ऊपर सभी के सभी स्प्रिंग फिट हो चुके हैं, अभी आप लोग के सामने ये बहुत अच्छे से स्प्रिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और इससे ये होगा वाइब्रेट भी नहीं होगी और ये शॉर्ट का प्रॉब्लम भी खत्म हो चुका होगा। अभी ये चेक कर लेते हैं आपके सामने। आप लोगों ने फिटिंग करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसके पॉइंट वाली जो डब्बी है वो भी आपने इसके ऊपर लगा देनी है, तो ये ऐसे आपने इसको फिट कर लेना हाथ की मदद से। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है। तो अभी हम इसकी शार्ट चेक कर लेते हैं, ये सीरियस है, बल्ब चल रहा है, ठीक है। अभी इसको आपस में भी चला के देख लेते हैं, ये चल रहे हैं आपस में पॉइंट। तो अभी बॉडी के साथ चेक करते हैं ये शार्ट है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी शार्टिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, देखें तीनों पॉइंट के ऊपर ये शार्ट नहीं है। तो अभी इसको चला के भी चेक कर लेते हैं, अत्यातन तीनों पॉइंट ये कॉमन और रनिंग के ऊपर मैंने वायर लगा दी है और रनिंग और स्टार्टिंग की तरफ मैं उसको ऊपर स्पार्ट दे रहा हूँ। तो ये मैंने स्पार्ट दिया तो आपके सामने ही है, तो आप लोगों के सामने ये कंप्रेसर जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे चेक करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे चेक करते हैं। तो अभी मैंने कॉमन और रनिंग की तरफ वायर लगा के रनिंग और स्टार्टिंग की तरफ मैं स्पार्ट दिलाया था, तो ये कंप्रेसर जो है ऑन हो चुका है। तो अभी आप लोगों के सामने स्टार्टिंग जिसकी बिल्कुल कम्प्लीट खत्म हो चुकी है, बहुत अच्छे से यहाँ पे ये चल रहा है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और वायर उतार लेता हूँ, और अभी सिंपल वैसी फिटिंग है और हमें
और अभी हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा सिंपल, इसका जो ये वाला जो लोग है ऊपर वाली साइड पे ये स्प्रिंग ना होते उसी वजह से ये लोग ऊपर वाली साइड पे होता है यहाँ पे, तो इसको आपने दोबारा ऐसे बेंड कर देना ताकि ये मोटर दोबारा ऊपर वाली साइड पे ना आए इस लोग की वजह से, ठीक है। तो ये अटकता रहेगा, ऊपर वाली साइड पे आने नहीं देगा और इसके पाँव की जो फिटिंग है वो अच्छे से बनी रहेगी। तो आगे दोस्तों बस इतना ही है कि हमें यहाँ पे इसका गड्ढा रख देना है, आवाज़ चेक कर लेनी है, आवाज़ चेक करने के बाद इसको वेल्ड कर देना है। अगर आप लोगों ने वेल्डिंग की वीडियो नहीं देखी कंप्रेसर कैसे वेल्ड होता है उसमें भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो वीडियो वो भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसका 50% जो चांस होता है कि इसका ये स्प्रिंग उठने की वजह से भी शॉर्टेज हो सकती है। मोटर बिल्कुल ठीक होती है पर आप लोगों को लग रहा होता है कि मोटर शॉर्ट है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा से कमेंट भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।